अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। व्यूवर्स, ये मैंने स्वेटर बनाया है, इसके साथ ये सॉक्स हैं और ये मैंने एक छोटे बेबी के लिए मिटन बनाया है। आज मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी ये कैसे बनाया है। तो चलिए मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ, इनको साइड पर रख देती हूँ। इसी तरह के स्टिच डालने हैं। पहले तो मैं ये धागा दोहरा करके गिरा लगा लिए। ये मैंने स्टिच जो है 32 डाले हैं, तो यहाँ पे मैं 32 स्टिच डालूँगी। ऐसे करके पहले यूं अंगूठे पे बाल देना है, फिर ऐसे इस तरह मैं 32 स्टिच डालूंगी, फिर बॉर्डर स्टार्ट करूंगी। थर्टी टू स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी, तो मैं ये पहले बना लूँ। ये मैंने 32 स्टिचेस डाली हैं, ये 16 डबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे गिरा लगा लूँगी, बॉर्डर स्टार्ट करूँगी। अब मैं पहला स्टिच उतार लूँगी, ये पर्ल, नीट पर्ल नीट, इस तरह ही मैंने उसमें 7 रोज डाली हैं। इसकी भी मैं 7 रो कंप्लीट करके फिर आगे इसका डिज़ाइन, वो जो स्वेटर में डाला वही इसमें डालूँगी। नीट पर्ल इसी तरह ही, नीट पर्ल की तरह 7 स्लाइस डालनी है, 7 रोज। नीट पर्ल, नीट पर्ल, ये इसकी फर्स्ट सिलाई है। 6 और डालूंगी, पर्ल नीट, लास्ट वाला भी नीट। अब इसकी राइट साइड पे पहला स्टिच उतार लूँगी बगैर बुने, इसको पर्ल बनाऊँगी। ये नीट है, इसको नीट बनाऊँगी। इस तरह मैं 7 सिलाई बना के 7 रोज, फिर मैं आगे ये डिज़ाइन शुरू करूँगा। अब मैं पहले ये बना लेती हूँ, 7 रो बॉर्डर की बना ली है मैंने। अब ये जो डिज़ाइन है ये स्टार्ट करना, पहला स्टिच उतार लूँगी, बाकी पूरी रो पर्ल।
ये पूरी रो पर्ल वाइज बनाऊंगी। ये मैं बना लेती हूँ। ये मैंने 11 रोज डाली। अब ये इसकी रॉन्ग साइड है। पहला स्टिच उतार लूँगी धागा आगे लाके, एक पर्ल एक नीट। ये मेरी लास्ट सिलाई है, पर्ल नीट पर्ल नीट पर्ल नीट पर्ल नीट। पूरी रो इसी तरह बनाऊंगी। 12 रो डिज़ाइन की बना ली। अब यहाँ से मैं डिक्रीज करने शुरू करूँगी, जिस तरह इसके किए इसी तरह ही यहाँ से भी करूँगी। पहला स्टिच उतार लूँगी, एक पर्ल वाइज बुन लिए, फिर धागा पीछे ला के इसके साथ ये मिला के दो का एक कर दूँगी। फिर 1 2 3 4 फोर स्टिच बनाने के बाद फिर एक डिक्रीज करूँगी ऐसे। फिर 1 2 3 4 एक ये उतार के इसको बुन के सीधा ये ऊपर से पास कर दूँगी। फिर 1 2 3 4 ये उतार के इसको बुन लूँगी, फिर ये ऊपर से पास कर दूँगी। इसी तरह ये सारे काम कर देने, हर चौथे खाने के बाद एक एक काम कर ही जाना है। ये ऐसे बना लूँगी। अब रॉन्ग साइड है, एक उतार के धागा आगे ला के ये पर्ल है इसको पर्ल बुनूंगी। ये सीधा है इसको सीधा पर्ल। यहाँ पे नीट आना था लेकिन वो जो काम किया है तो उसको ऐसे पर्ल बना लेना, नीट करके पर्ल नीट पर्ल। ये भी पर्ल पर्ल नीट पर्ल। ये भी पर्ल है इसको भी पर्ल बना, नीट पर्ल नीट। ये पर्ल है और ये जो दो का एक बनाया है नीट पर्ल नीट पर्ल पर्ल दो नीट। अब राइट साइड है, इधर से फिर काम करूंगी। एक उतार के इसको पर्ल, ये इसके साथ ये मिला के काम करना है। इसे उतार के इसको बुन लूँगी, इस तरह गुजार दूँगी ऊपर से पर्ल, धागा पीछे करके इस तरह इसको बुन के ये ऊपर से पास कर दूँगी। अब इस सिलाई में यहाँ पे तीन रह गए, पहले चार थे अब तीन रह गए।
पर्ल, ये स्किप किया और इसको बुना, ये ऊपर से पास कर दूँ। ये उतार लूँगी, ये बुना ऊपर से पास कर दिया। रॉन्ग साइड है, एक उतार लिया है पर नीट, पर नीट, ये पूरी रो ऐसे ही बनानी है। मैं बना लूँ, राइट साइड पे आ गई। अब फिर डिक्रीज करूँगी, ये उतार के एक बुन लूँगी, धागा पीछे ला के इसको उतारूँगी, ये बुन लूँगी, ऊपर से ऐसे गुजार दूँगी। अब यहाँ पे दो दो रह गए, इसी तरह काम कर कर के लास्ट पे आके मैं फिर बताती हूँ। ये इसी तरह काम कर देने, अब दो दो रह गए उनको भी काम करके फिर मैं आखिर में बताती हूँ। यहाँ पे 7 स्टिच रह गए, अब इनको सुई में परो के तो यहाँ से मैं सी दूँगी, सुई में डाल के धागा। ये धागा इधर है, मैं इस तरफ से परोंगी, इस साइड से। ऐसे टाइट कर देंगे, फिर इसको उल्टा करके यहाँ से मैं सी दूंगी। इसको अच्छी तरह खींच के यहाँ से ऐसे सी देंगे। इस तरह ये मैं सारा सी के फिर आपको लास्ट में दिखाती हूँ। बस इसी तरह सी देना ये सारा, ये देखिए, ये इसको मिटन को मैंने सी लिए, ये इस तरह बन के दोनों तैयार हैं। छोटे बेबी के लिए, न्यू बॉर्न से लेके 4-5 महीने तक ये आसानी से आ सकते हैं। व्यूवर्स आप भी बनाएं और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।